नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। मैं हूं आपका अपना अनिल शर्मा और मैं लेके आया हूं आपकी राशि और 2017। तो आज हम बात करेंगे 2017 में जेमिनी राशि के बारे में। जेमिनी राशि का किस तरह से फल सितारों का 2017 में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम एक बात जानें कि इस बार तीन अंक भी 2017 में 2017 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपकी राशि जो है जेमिनी, तीन अंक की राशि है, तो इस सब का क्या फल रहेगा उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2017 की शुरुआत अर्धरात्रि 1 जनवरी को जो ग्रहों के पीछे आपकी राशि होगी उसको हम जानते हैं। उसमें राहु सिंह राशि में आपके तीसरे घर में निवास करेंगे। जुपिटर सुख कारक हाउस 4th हाउस में होंगे। कन्या राशि में एक अच्छा योग कहीं ना कहीं ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपके 6th हाउस में शनि का गोचर रहेगा। 7th हाउस में आपके राशिपति प्राक्रमेश सूर्य के साथ 7th हाउस में बैठे रहेंगे। चंद्रमा जो धन के कारक हैं और वर्ष विशेष में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले जो वो निश्चित तौर पर इस बार कमजोर हैं और 8th हाउस में हैं। और वहीं मंगल शुक्र और केतु का एक योग होगा जो 9th हाउस में होगा। तो ये पूरे वर्ष 2017 की कुंडली जो है, हालांकि ये ट्रांजिट चंद्रमा के साथ बदलता रहता है, लेकिन शुरुआत में ये ग्रहों की स्थिति इस तरह से आपकी राशि के ऊपर अपना प्रभाव डालेगी। तो इसका प्रभाव पूरे वर्ष पर कैसा रहेगा उसको जानने के लिए 2-3 चीजें और हमें जाननी होगी। दशानाथ, इस वर्ष की शुरुआत हो रही है चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा की महादशा में, शनि के अंतर में, और साथ ही साथ शनि का अंतर 1 हफ्ते के लिए रहेगा। उसके बाद तुरंत बाद बुध जो आपके राशिपति हैं, आपके सुखेश हैं, उसका अंतर शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, तीन अंक भी है इस बार, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम चंद्रमा का 8th हाउस में होना। तो हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आपकी राशि कैसा रहेगा, आपका मानसिक संतुलन, आपकी हेल्थ, जिसको हम जानने की कोशिश। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी राशि जेमिनी को सूर्य और बुध आस्पेक्ट कर रहे हैं और किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की आपकी राशि के ऊपर कोई भी दृष्टि नहीं है। तो कुल मिला के इसको मैं एक अच्छा शुरुआत मानता हूं 2017 में आपके राशि के ऊपर इस ईयर की। तो मैं ये कहूंगा कि आप इस पूरे वर्ष में सबसे अधिक अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी ताकत में, अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ने का एक अच्छा, अपने परिवार, अपने घर, गाड़ी के सुख के और आपका जो पूरा ध्यान केंद्रित होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, होना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में तरक्की करें और कहीं ना कहीं आपकी राशि इस बार तरक्की की ओर अग्रसर है और नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आ रही है। धन की बात करें, धनेश अष्टम स्थान में और दशानाथ होके बैठे हुए, कमजोर स्थिति है। इसके बावजूद शुभ समाचार यह है कि चंद्रमा बहुत तीव्र गति के साथ राशि परिवर्तन करते हैं और उसमें भी उससे भी बड़ी सुकून वाली बात यह है कि बुध की अंतरदशा बहुत जल्दी आपकी राशि शुरू होगी, क्योंकि आपके सुख और राशि के कारक हैं। तो इसका मतलब जो उलझने कहीं ना कहीं बनी हुई हैं अभी जो वर्तमान में भी आप देख रहे हैं वो छटने वाली हैं, वो जल्द ही आपके मंथ ऑफ जनवरी में भी छट जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो धन को लेके एक निश्चित तौर पे एक फ्लो बना रहेगा, जितनी मात्रा में धन आएगा उतनी ही मात्रा से धन जाएगा भी, तो ये सुख के लिए ही जाएगा, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि घर में औरतों की सेहत जरूर अच्छी रहनी चाहिए और औरतों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने चाहिए और खास करके बुजुर्ग औरतों का मान सम्मान करते रहना, किसी तरह की भी धनहानि जो दिख रही है उससे आपको बचाएगा। तो बूढ़ी औरतों का आशीर्वाद लेते रहना, ये आपके लिए वर्ष का सबसे उत्तम उपाय होगा। पराक्रमेश की बात मैंने जैसे की कि सूर्य आपके पराक्रम स्थान के हैं, लॉर्ड हैं, राहु वहां पर बैठे हुए हैं, हालांकि अच्छा संबंध नहीं है, फिर भी राहु जब तीसरे घर में आ जाते हैं राशि चाहे कोई भी हो, ये बल देने वाले होते हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। वहीं पराक्रमेश सूर्य 7th हाउस में बैठे हुए हैं बुध के साथ, राशिपति सुख के साथ, तो आप पूरी ताकत झोंक देंगे, आपके दोस्त मित्र संबंधी आपको पूर्ण सहयोग देंगे। तो इसका मतलब है आप एक अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। सुख स्थान में जुपिटर का होना अपने आप में बेहतरीन दिखाता है और हो भी क्यों ना कि यहाँ बैठे हुए बृहस्पति आप खुद अपने ही हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी देख रहे हैं, तो नई नई प्लानिंग्स इस बार आपकी बनेगी, सुख के साधन बनाने में आप एकदम पूरा जोर लगा देंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। उत्तम यही होगा कि इस समय के दौरान आप सात्विक प्रकृति का प्रयोग करें,
झूठ फरेब से जितना आप दूर रहेंगे उतनी ही तरक्की कुदरत आपको देगी। पंचम भाव की बात करूं, जहां पे लीब्रा राशि है, शुक्र कारक है, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संतान आपके भाग्य में बहुत अच्छा योग जो बनाएगी आपकी एजुकेशन, आपका जो एक मनोरंजन का एक स्किल है आपके अंदर, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अच्छा समय होगा। संतान के मामले में जरूर कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन जैसे कहते हैं खोटा सिक्का कभी ना कभी काम आ जाता है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि खोटा सिक्का आपका काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं रोग स्थान में जो सीजनेबल बीमारियां होती हैं उनसे आपको बचना होगा। शनि ठंड से, हवा से होने वाली बीमारियां आपको परेशान करेंगी, आंखों से होने वाली परेशानियां आपको परेशान करेंगी। वहीं किसी तरह का कोई फूड पॉइजनिंग या पशुओं के द्वारा, पेट के द्वारा आपको कोई हानि भी हो सकती, तो सावधानी पूर्वक रहें, ये आपके लिए बेहतरीन स्थिति जो है वो बनेगी। अगर मैं बात करूं शत्रुओं की, शत्रु कितने भी हों सर उठाएंगे, लेकिन आप उनका सर मसलते चले जाएंगे, आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। जहां मैं बात करूं आपके गृहस्थ जीवन की, तो गृहस्थ जीवन के कारक जुपिटर सुख स्थान में बैठे हुए हैं, तो गृहस्थ जीवन में आपका ध्यान घर के सुख और साधनों में लगा रहेगा, जिससे गृहस्थ जीवन अपने आप में बेहतरीन बना रहेगा और ये एक अच्छी सुकून भरी स्थिति होगी। जो उन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए एक सुअवसर होगा, उनको एक अच्छे रिश्ते की मैं कामना करता हूँ कि एक अच्छा रिश्ता आएगा। और साथ ही साथ अगर आपने, आपके पार्टनर किसी जॉब में है, प्रोफेशन बिजनेस में है, तो उनकी तरक्की भी साथ में दिखाई दे रही है, तो एक अच्छा मैच जो है वो गृहस्थ जीवन में दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव चंद्रमा बैठे हुए हैं, शनि कारक है, शनि को छठे भाव में, इसका मतलब है किसी तरह की दुर्घटना, जैसे पशुओं से, गाड़ी से, या कई बार आप जिम्मेवार नहीं होते कोई सामने से आके, तो इस समय आपको थोड़ा सावधान रहेगा, किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना जो है वो हो सकती है, थोड़ा सावधान आपको रहना होगा पूरे वर्ष पर, जो बहुत 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 जरूरी है। भाग्येश की बात करूं तो भाग्येश जैसे मैंने कहा कि सिक्स हाउस में है, मंगल शुक्र केतु का एक योग बना हुआ है जो अपने आप एक बेहतरीन योग है, लेकिन जैसे ही शनि का ट्रांजिट होगा आपकी सेवंथ हाउस में, तो ये भाग्येश और प्रबल हो जाएगा और नई अपॉर्चुनिटीज लेके आपके सामने आएगा। बस आपने एक ही बात का ध्यान रखें, आप अपने संगी साथियों जिनको साथ लेके जाए उनकी अपेक्षा ना करें, उनको नीचा दिखाने की उनको भूले नहीं, तो निश्चित तौर पे आप दिन दुगनी रात चौगुनी का जो हम बात कहते हैं उसको पाने में कामयाब हो जाएंगे और एक अच्छा अवसर जो है वो आपके लिए मैं देख रहा हूँ। वहीं प्रोफेशन की बात करूं, जुपिटर देख रहे हैं, शनि का एक अच्छा ट्रांजिट होगा और साथ ही साथ किसी भी बुरे ग्रह की जो दृष्टि है वो टेंथ हाउस में नहीं होने की वजह से प्रोफेशनली आप लोगों को एक अच्छी कामयाबी जो है वो हासिल होगी। प्रोफेशन वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज आप नई मंजिलों को छुएंगे। ऐसी इस राशि में योगकारी स्थिति जो है वो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में बनी हुई दिखाई दे रही है। लाभ के कारक भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और शेष भी हैं, तो इसका मतलब है कुछ जद्दोजहद के बाद आप भाग्य के द्वारा अपने लाभ को बनाने में कामयाब हो जाएंगे और खर्चों की बहुलता रहेगी। यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, तो यात्राओं के लिए तैयार रहना होगा। इस बार आप कर्जे की स्थिति से बचे रहेंगे, लेकिन इस सब में एक की उपाय, जैसे मैंने आपको बिगनी में कहा कि बूढ़ी औरतों का, मां समान औरतों का आप मान सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेते रहने से निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बेहतरीन वर्ष साबित होगा और 3 अंक होने से इसमें आपको और भी ज्यादा सफलता मिलेगी। नमस्कार।